वेलकम टू सुपर व्यू क्लासेस। मैं सब कुनार प्रताप सिंह। लास्ट वीडियो में हमने मुगल वंश देखा था। मुगल वंश में हमने बाबर देख लिया, उसके बाद में हुमायूं के बाद में बिहार का था एक शेरशाह सूरी। पहले बाबर, फिर हुमायूं, फिर शेरशाह सूरी, और फिर उसके बाद में हेमू के बारे में बताया था मैंने। हरियाणा का था और ये हिंदू था। ये हेमचंद विक्रमादित्य इसका पूरा नाम था। हम लोग इसको मुसलमान समझते हैं, पर ये हेमचंद विक्रमादित्य हिंदू राजा था ये। और हेमू से फिर अकबर की लड़ाई हुई, पानीपत का द्वितीय युद्ध, और फिर उसके बाद जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। और एंड में धीरे धीरे फिर बहादुर शाह जफर आ गए। जिनको अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था कुछ पेंशन पे। तो ये लास्ट मुगल वंश के लास्ट बोले जाते हैं, लास्ट राजा। गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, शहज वंश, लोधी वंश और मुगल वंश। और मुगल वंश यहाँ टूटा था, ये शेरशाह सूरी और हेमू पर। बाबर, हुमायूं मुगल वंश के हैं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, और ये बहादुर शाह जफर, ये मुगल वंश के हैं। पर बीच में ये गैर मुगल आ गए थे, शेरशाह बिहार का, और हेमू हिंदू राजा था जो लगा हरियाणा का था, रेवाड़ी का। अब देखते हैं हेमू से पानीपत की द्वितीय युद्ध में जो सेनापति था, अकबर तो बहुत छोटा था, लगभग 13 साल का था उस टाइम, तो अकबर तो लड़ने लायक नहीं था। तो अकबर का सेनापति था बैरम खां। तो बैरम खां के नेतृत्व में अकबर ने लड़ाई लड़ी थी हेमू से। और देखा जाए तो इसमें हेमू की काफ़ी विशाल सेना थी, अकबर की थोड़ी छोटी थी। पर इन्होंने हेमू को ही किडनैप कर लिया जब ये हार रहे थे। तो इन्होंने एक चक्रव्यूह रचा और उसमें हेमू को किडनैप कर लिया। और जब हेमू को किडनैप कर लिया तो उसकी सेना थी उसको हथियार डालने को बोला था। फाइनली उसमें फिर अकबर की जीत हुई। और अकबर ने तो हेमू को मानने से मना कर दिया था, पर जो बैरम खां था, बैरम खां ने हेमू का गला काट दिया, सर काट दिया। तो पानीपत के द्वितीय युद्ध में बैरम खां के संरक्षण में हेमू से जीता था अकबर, मतलब अकबर इसमें जीत गया और हेमू हार गया। चार बाग परंपरा ये अकबर ने चालू की थी। चार बाग परंपरा क्या है कि एक बाग होता है उसको चार भागों में बांट दो। जैसे कि ताजमहल है, ताजमहल में रास्ता जा रहा है और उस रास्ते के इधर एक बाग है, इधर एक बाग है, फिर यूं करके रास्ता, इधर एक बाग है, इधर एक बाग है, ये चार बाग बोला जाता है। तो ये चार बाग परंपरा अकबर ने चालू की थी। दीन इलाही धर्म अकबर ने चलाया था। दीन इलाही एक ऐसा धर्म था जिसमें कोई भी हिंदू या मुसलमान आ सकता है। तो हालांकि दीन इलाही में कोई गया नहीं था, अकबर उसका प्रधान पुरोहित था। प्रधान पुरोहित अकबर था उसका। और जो बीरबल था, बीरबल ने भी एकमात्र हिंदू था जिसने इसको माना था दीन इलाही धर्म को, वरना और किसी ने इस दीन इलाही धर्म को नहीं माना था। तो बीरबल जो था, एक्चुअल नाम उसका महेश दास है, ये भी एक बार क्वेश्चन में आ गया था कि बीरबल का पूरा नाम क्या था। तो ये हिंदू थे, महेश दास इनका नाम था, एकमात्र थे जिन्होंने इलाही धर्म को स्वीकार किया था। अकबर के नवरत्न काफ़ी फेमस हैं, तो नवरत्न देख लेते हैं। अबुल फजल राजकवि थे, फैजी जो उसके बड़े भाई थे अबुल फजल के, फिर अब्दुल रहीम खाने खाना, बीरबल, मुल्ला दो प्याजा, ये रसोईया था, काफ़ी अच्छा खाना बनाता था और हमेशा जब खुद खाने बैठता था तो दो प्याज संग में लेके बैठता था, इसलिए इसका नाम पड़ गया मुल्ला दो प्याजा। फिर टोडरमल जो कि वित्त मंत्री थे, और तानसेन, फिर फकीर अजीउद्दीन, राजा मानसिंह जो जोधा के भाई थे और प्रधान सेनापति थे। तो नवरत्न है हो गए। इन नवरत्न के बारे में इधर देख लेते हैं। अच्छा, अकबर की जो भाषा थी, राजभाषा, वो फारसी थी। फारसी में जो भी काम होता था फारसी में। और बाबर की तुर्क, बाबर ने जो अपनी बाबर नामा जो लिखी थी तुजुके बाबरी, वो तुर्की में लिखी थी। तो और मनसबदारी प्रथा भी अकबर के टाइम में चालू हुई। मनसबदारी प्रथा क्या है कि राजा के नीचे मनसब होते हैं छोटे छोटे, उनके नीचे फिर और छोटे छोटे मनसब,
कोई 5,000 सिपाहियों का मनसबदार है, कोई 10,000 का है, तो इस तरह से ये मनसबदारी प्रथा अकबर के टाइम में चालू हुई थी। अकबर खुद से नक्काड़ा या नगाड़ा बजाता था, ये क्वेश्चन भी आया था ये लगभग 2021 में कि अकबर कौन सा वो वाद्य यंत्र बजाता था, तो वो नक्काड़ा या नगाड़ा, ढोल टाइप का जो होता है। अब नौरत्नों की स्पेशलिटीज़ देख लेते हैं, कौन किस में क्या था। जो मैन मैन है अबुल फजल था, उसने अकबरनामा लिखी और आईने अकबरी लिखी, अकबर के नाम पे अकबरनामा और आईने अकबरी। राजभाषा फारसी थी, तो फारसी, क्योंकि एक बार ये क्वेश्चन आया था अभी के क्वेश्चनों में कि तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, तो वो तुर्की में थी। बाद में उसको अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसको फारसी में अनुवाद किया था। अब्दुल रहीम खाने खाना ने जो बाबर की आत्मकथा थी तुजुके बाबरी, उसको फारसी में लिखा था और नाम दिया बाबरनामा। ये पिछली वीडियो में हमने क्लियर कर ही चुका है। तो इसलिए भाषाओं के ऊपर आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं कि ये बुक किस भाषा में थी, तो आईने अकबरी अकबरनामा अबुल फजल अकबर के टाइम में था, उस टाइम राजभाषा फारसी थी, तो ये फारसी में था। अबुल फजल को जहांगीर ने मरवा दिया था और ये दीन इलाही का मुख्य पुरोहित था। अकबर ने दीन इलाही चालू किया था तो वो प्रधान पुरोहित था, अकबर जो था वो प्रधान पुरोहित था दीन इलाही धर्म का प्रधान, और ये मुख्य दीन इलाही का मुख्य पुरोहित, प्रधान से छोटा मुख्य अबुल फजल। दरअसल अबुल फजल एक तरह से राजकवि था, पर अकबर का इतना प्रिय था कि अकबर का जो खुद का बेटा था जहांगीर, उसको ना बेच के जो युद्ध वगैरह होते थे कमान इसी के हाथ में, अबुल फजल के हाथ में सौंपता था। उससे जहांगीर थोड़ा इससे बैर मानने लग गया, और जब एक बार जब बुलाया था जहां इसको अबुल फजल को, तो इसको चिढ़ लगी जहांगीर को, युद्ध के दौरान इसको बुलाया था कि ऐसे ऐसे एक काम है, तुम यहां लौट के आओ एमरजेंसी में। जहांगीर को गुस्सा आया कि मैं हूं, मुझे क्यों नहीं बुलाया, इसको ही हर उसमें क्यों आगे करते हैं। तो जहांगीर ने रास्ते में गुंडों से अबुल फजल को मरवा दिया था, उससे अकबर काफ़ी दुखी भी हुआ था। तो अबुल फजल हो गया, उसके बाद में फैजी अबुल फजल का बड़ा भाई था, इसी अबुल फजल का, ये गणित का टीचर था जहांगीर का, अकबर का जो बेटा था जहांगीर उसका गणित का टीचर था। तानसेन का पूरा नाम भी एक बार आया था, रामतनु पांडे, जो रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनके महल में रहते थे, पर तानसेन की जो चर्चा थी वो पूरे देश में फैल चुकी थी, तो अकबर ने इनको एक संदेश भेजा कि मतलब तानसेन को हमें दे दीजिए। तो फिर तानसेन जो रीवा के राजा थे रामचंद्र, उनसे अकबर के दरबार में चले गए। अकबर के जो गुरु थे वो स्वामी हरिदास थे, अकबर ने इनको भी बुलाना चाहा, पर हरिदास अकबर के महल में नहीं आए। फिर अकबर को ही फाइनली इनके उसमें कुटिया में जाना पड़ा, और अकबर के कहने पर इन्होंने गाया नहीं, तो अकबर को कई दिन वहाँ डटना पड़ा इनके कुटिया में, और एक दिन खुद से ही इन्होंने गाया, तो अकबर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हुआ इनसे, और उन्होंने तानसेन को बोला कि तुम्हारे गाने तो एकदम फूहड़ हैं स्वामी हरिदास के तुलना में। तो ये कैसे कवि थे जिन्होंने किसी राजा का आज्ञा नहीं मानी, और राजा को खुद इनके पास आना पड़ा, और आने के बाद भी इन्होंने नहीं गाया, खुद से ही जब एक सुबह इनका मन हुआ तब इन्होंने गाया था, और तब अकबर ने इनका गाना सुन पाया था, फिर अकबर वापस हो गया। तो ध्यान रखना है, तानसेन जो थे पहले रीवा के राजा रामचंद्र के महल में रहते थे, वहाँ से फिर ये अकबर के महल में आए थे, और तानसेन के जो गुरु थे स्वामी हरिदास। राजा मानसिंह देखते हैं, जोधा का भाई था राजा मानसिंह, और अकबर का प्रधान सेनापति था, पूरी सेना राजा मानसिंह के अंडर में थी, काफ़ी विश्वास पात्र था राजा मानसिंह। आमेर का था, क्योंकि जोधा आमेर की थी, आमेर के राजा की। हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो राजा मानसिंह के ही नेतृत्व में हुआ था। दरअसल होता क्या है कि जो महाराणा प्रताप थे उनके सामने अकबर जाने में खुद डरता था, तो इसलिए वो खुद ना जाकर राजा मानसिंह को उन्होंने भेजा। अब महाराणा प्रताप खुद में इतने बलशाली थे कि लगभग 7.5 फुट इनकी ऊंचाई थी महाराणा प्रताप की, और इनमें खुद में लगभग 110 किलो वजन था, और जो इनके कवच और जो भाला और जो रक्षा के उपकरण और उसके बाद में दो तलवारें लटकी रहती हैं उनका वजन 208 किलो रहता था, और पूरे ये 318 किलो के हो गए। एक आदमी जो खुद 110 किलो का है वो 208 किलो वजन और लादे हुए और फिर लड़ रहा है, 208 किलो, 2 क्विंटल से भी ज़्यादा वजन को लेकर
गेहूं की जो एक बोरी होती है, जो हम लेते हैं अनाज की बोरी, वो 1 क्विंटल की होती है, उसको बहुत मुश्किल से उठा पाते हैं। और अगला बंदा उतनी भारी भारी चीज़ों को लेके लड़ रहा है, फाइट कर रहा है, और पूरे पूरे दिन लड़ते रहते थे। तो अकबर भी उनके सामने जाने पर, अकबर था भी थोड़ा छोटी कदकांटी का, तो वो खुद जाने में डरता था। और हुआ भी यही, ये जो राजा मानसिंह थे खुद में काफ़ी ताकतवर थे, पर फिर भी हल्दीघाटी के युद्ध में जब महाराणा प्रताप ने एक अपनी तलवार मारी तो राजा मानसिंह कूद गए थे अपने घोड़े से, वरना ये मर जाते। घोड़ा नहीं, हाथी। तो जो महाबत था राजा मानसिंह का, वो 2 भागों में कट गया, इतना तगड़ा वार था, जिसमें हाथी की हड्डी वगैरह सब एक ही वार में कट गई, और पूरा वो हाथी वहीं के वहीं ख़त्म हो गया। पर ये फिर बच गए। अच्छा, उस युद्ध में ये मानते हैं कि कोई भी जीता नहीं। जो हल्दीघाटी का युद्ध था 1576 में हुआ था, राजा मानसिंह और महाराणा प्रताप के बीच में लड़ा गया था। तो देखा जाए तो ये अकबर और महाराणा प्रताप के बीच में है। अकबर तो डर की वजह से गया नहीं था, राजा मानसिंह को भेज दिया था, क्योंकि वो सेनापति भी था। उसमें जो महाराणा प्रताप की सेना थी वो 20,000 थी, और अकबर की सेना 85,000, मानसिंह की सेना 85,000। तो इस 20,000 सेना, महाराणा प्रताप की जो 20,000 सेना थी, उसने 85,000 सेना को बहुत बुरी तरह से मारा। तो बेशक इसमें कहने को अकबर जीत गया, पर फाइनली अकबर ये मानता है कि मैं इसमें जीता नहीं, क्योंकि अकबर का कई गुना ज़्यादा, 4 गुना ज़्यादा नुकसान हुआ। तो अकबर ये युद्ध जीतते हुए भी हार गया। हारने के बाद में जब महाराणा प्रताप, हालांकि उसमें ये चले गए थे बच के, चेतक इनका घोड़ा था, उसी युद्ध में मारा गया था। जब महाराणा प्रताप बाद में मरे थे तो अकबर को दुख हुआ था काफ़ी, और वो उन्होंने महाराणा प्रताप की खुद से तारीफ भी करते थे अकबर। अब देखते हैं अब्दुल रहीम खाने खाना को, इन्होंने तुजुक ए बाबरी लिखी थी, अभी हमने पीछे भी देखा था तुर्की में। तुजुक ए बाबरी क्या थी? बाबर की आत्मकथा थी, जो बाबर ने खुद लिखी थी, और वो तुर्की में लिखी थी, और अब्दुल रहीम खाने खाना ने उसको फारसी में अनुवाद किया था, और एक नया नाम दिया था, बाबरनामा। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। हमजानामा, ये प्रसिद्ध अरबी महाकाव्य, ये एक बुक का नाम है, जो एक अरबी महाकाव्य, जैसे हमारे महाभारत रामायण है उसी तरह से एक अरबी महाकाव्य हमजानामा है। इसमें जो मोहम्मद साहब हैं, उनके चाचा हमजा, उनकी वीरतापूर्वक कहानियों का चित्र संग्रह है, यानी कि वो कहानी तो बताइए, साथ में चित्र भी हैं, चित्र एक पेज पे चित्र और फिर लिखा हुआ भी। तो एक चित्र संग्रह है एक तरह से, जो मोहम्मद साहब के चाचा हैं उनकी कहानी के, जो वीरतापूर्वक उन्होंने कारनामे किए उसके। अकबर की मृत्यु देख लेते हैं। पेचिश हुई थी शुरू में अकबर को, पेट की गड़बड़ी हुई और वो धीरे फिर सही नहीं हुई और धीरे धीरे बिगड़ती गई, और उसके बिगड़ने से फाइनली अकबर ख़त्म हो गया। जब ख़त्म हो गए तो इसको आगरा के निकट सिकंदरा में दफनाया गया, और अकबर रहता भी आगरा में था, आगरा ही इनकी राजधानी थी। मैंने बताया था लगभग यहाँ से लेके यहाँ तक इनकी राजधानी दिल्ली रही थी, और शाहजहाँ से ये आगरा में आ गए। तो ये आगरा में ही, आगरा के पास में जो सिकंदरा था वहाँ जाके दफना दिया। अच्छा, अकबर ने बहुत सारी इमारतें बनवाई, बहुत सारे भवन बनवाए, तो उसको देख लेते हैं। हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग अकबर के टाइम को बोला जाता है। हिंदी साहित्य मतलब जो बुकें वगैरह जो लिखी गई थी वो। अब कृति वो देख लेते हैं, इन्होंने क्या क्या बनवाया। तो हुमायूं का मकबरा, हुमायूं तो अकबर के पिता थे, तो उन्होंने अपने पिता की याद में हुमायूं का मकबरा बनवाया था, जो दिल्ली में है। ये क्वेश्चन सीधे आते हैं कि हुमायूं का मकबरा कहाँ है, या लाल किला कहाँ है, शीश महल कहाँ है, तो इनको ऐसे ही याद रखना है, ये सारे अकबर ने बनवाए हुए हैं। क्वेश्चन यही आता है कि शीश महल या पंचमहल किसने बनवाया, या फिर ये आएगा कि पंचमहल कहाँ स्थित है। तो अकबर ने बनवाए थे सारे, अब हमें ये देखना है कि कौन सा कहाँ है। तो हुमायूं का मकबरा दिल्ली में है, लाल किला आगरा में है, यहीं अकबर रहता था इसी लाल किले में। शीश महल फतेहपुर सीकरी में है, जो कि यूपी में है, और ये फतेहपुर सीकरी लगभग आगरा से 30 किलोमीटर दूर है, एक तरह से आगरा के बराबर में ही मान लो फतेहपुर सीकरी, यूपी के आगरा में, आगरा से 30 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी, वहाँ शीश महल बनवाया था। दीवाने आम और दीवाने खास, दीवाने आम आम लोगों के लिए, दीवाने खास खास लोगों की जो मीटिंग होती है बैठने की, वो जो भवन है
ऐसे भवन जहाँ आम लोग बैठ के मीटिंग करते हैं दीवाने आम, और जहाँ खास लोग बैठ के बात करते हैं मीटिंग करते हैं दीवाने खास। ये भी आगरा के किले में बने हुए हैं, दो भवन हैं अलग अलग। उसके बाद है पंचमहल, ये फतेहपुर सीकरी में है। बुलंद दरवाज़ा, बुलंद दरवाज़ा जब अकबर ने गुजरात विजय पर गया, गुजरात इसने विजय कर ली, काफ़ी कठिनाइयों से की थी, तो उसकी खुशी में इसने बुलंद दरवाज़ा बनाया था फतेहपुर सीकरी में 1601 में। ये बुलंद दरवाज़ा क्वेश्चन आ चुका है। ये क्वेश्चन ये आया था कि बुलंद दरवाज़ा किस वजह से बनवाया था, किस उपलक्ष्य में, तो वो गुजरात विजय पर बुलंद दरवाज़ा बनाया था अकबर ने फतेहपुर सीकरी में। जोधाबाई का मकबरा बनवाया था क्योंकि इनकी पत्नी जोधाबाई थी और भाई मानसिंह था, तो जोधाबाई का मकबरा वो फतेहपुर सीकरी में। इबादत खाना, इबादत खाना अकबर ना तो ढंग से हिंदू धर्म को तो खैर मानता ही नहीं था, इस्लाम धर्म का था, पर वो इस्लाम धर्म को भी पूरी तरह से ना मान के वो सबकी इज्जत करता था, तो उसने उसी पर्पज़ से एक इबादत खाना बनवाया कि जिसमें सभी धर्म के लोग जाके कोई भी इबादत कर सकता है, भगवान को पूज सकता है। एक धर्मी इलाही धर्म चलाया था, हालांकि जिसने माना नहीं, तो वो सभी धर्मों के पूजा के लिए इबादत खाना बनवाया था, वो भी फतेहपुर सीकरी में। इलाहाबाद का किला, वो इलाहाबाद में ही बनवाया था, जो पहले प्रयागराज बोला जाता था, तो इलाहाबाद का किला प्रयागराज यूपी में। तो ज़्यादातर अकबर की जो कृति हैं, जो भी चीज़ें इसने बनवाई हैं, वो फतेहपुर सीकरी में हैं। तो ये अकबर का पूरा हो गया। और अब जहांगीर के बारे में देखते हैं। जहांगीर के बचपन का नाम सलीम था, बाद में इसका नाम जहांगीर पड़ा था। इसने अपने महल में एक न्याय की जंजीर बनवाई थी जो इसके महल से बाहर तक जाती थी, और ये सोने की बनी होती थी। इसमें ये कहा जाता है कि अगर किसी भी आदमी को न्याय नहीं मिल रहा है तो वो इस जंजीर को जाके खींचे, उससे एक वो जंजीर महल के अंदर जा रही है, उससे एक घंटा बंधा हुआ है, तो वो बजता था, उससे इसको जहांगीर को पता चल जाता था कि गेट पर कोई ना कोई न्याय मांगने खड़ा हुआ है। तो न्याय की जंजीर फेमस थी जहांगीर के टाइम में। जहांगीर ने अपनी एक आत्मकथा लिखी थी तुझु के जहांगीरी, जो कि पूरी नहीं कर पाया था, और इसको इस आत्मकथा को पूरा किया था मोतियाबिंद खान ने। तो तुझु के जहांगीरी लिखो आत्मकथा थी जहांगीर की, और तुझु के बाबरी थी बाबर की। पत्नी थी नूरजहां, नूरजहां का जो नाम था वो मेहरुन्निसा था। ये क्वेश्चन भी आ चुका है, नूरजहां का असली नाम मेहरुन्निसा है, और ये विधवा थी एक सैनिक की, अफगान सैनिक की। ये सलीमा बेगम जो बैरम खां था उसकी वाइफ थी। बैरम खां तो चला गया क्योंकि अकबर की उससे बनती नहीं थी, उसको विश्व भ्रमण पर भेज दिया। तो सलीमा बेगम की कोई तोहिन ना करे और इनका पद गिरे ना, तो इसलिए अकबर ने इनसे सांकेतिक शादी कर ली थी। तो एक तरह से अकबर की सबसे बड़ी वाइफ हो गई सलीमा बेगम। तो उनकी सेवा में नूरजहां काम करती थी, सलीमा बेगम के बाल वगैरह को संवारने के लिए। तो नूरजहां को ये जहांगीर को नूरजहां पसंद आ गई, और फिर इसने शादी कर ली। और भी पत्नियां थीं जहांगीर की, पर उसमें नूरजहां फेमस है। नूरजहां की जो माता थी असमत बेगम, उसने गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। जो गुलाब का फूल होता है उससे इसने सेंट बनाया था इत्र। चित्रकला का स्वर्ण युग बोला जाता है जहांगीर का। जहांगीर का ये बोलते हैं कि जहांगीर अपने आप को ये बोलता था कि तुम मुझे कोई भी चित्र दिखा दो फोटो, और मैं उस जिसने ये चित्र बनाया उसका नाम बता सकता हूँ, चाहे वो अभी का है या अभी के पहले मर चुका है। ये केवल चित्र देखकर ही उस चित्रकार का नाम बता दिया करता था जहांगीर। ये इतना फेमस था चित्रकला में, खुद भी इसको चित्रकला का शौक था और इसको काफ़ी अच्छी जानकारी थी चित्रकला में। तो इसलिए चित्रकला का स्वर्णयुग जहांगीर का, और हिंदी साहित्य का स्वर्णयुग अकबर के टाइम में। इसने मुगल वंश में सबसे पहले जो सिक्के ऐसे जिसमें राजा का भी फोटो छपा होता था, वो इसी ने जहांगीर ने चलाया था। राजा की आकृति छपे सिक्के चलाए थे सबसे पहले जहांगीर ने मुगल वंश में। इसका जो सबसे बड़ा पुत्र था वो खुसरो था, अमीर खुसरो, उसने विद्रोह कर दिया। दरअसल हुआ क्या, जब जहांगीर कुछ इसकी उम्र हुई बाद में, ये दारू वगैरह ज़्यादा पीने लग गया, तो ये सरकार चलाने में इसका कुछ ज़्यादा मन लगता नहीं था। तो जो भी काम था कैबिनेट का और इसका राज दरबार का, वो सब इसकी जो पत्नी थी मेहरुन्निसा नूरजहां वो देख रेख करती थी, और ये इसका जो बड़ा बेटा था उसको अच्छा नहीं लगता था। तो इसका जो बड़ा बेटा था खुसरो, उसने इसी चीज़ का विरोध करने के लिए कि मतलब मैं तुम्हारा बड़ा बेटा हूँ,
मुझे ये चीज़ संभालनी चाहिए और तुम इसको अपनी बीवी मतलब नूरजहाँ के थ्रू संभलवा रहे हो। तो ये चीज़ इसको पसंद नहीं थी और इसने जो सिखों के गुरु थे अर्जुन देव, उनसे आशीर्वाद लिया और उनकी थोड़ी सी सहायता ली और उससे जाके धावा बोल दिया। राजधानी जो थी उसको आगरा में आगरा किला घेर लिया। हालांकि बाद में ये हार गया था, जहांगीर ने इसको हरा दिया और इसको जेल में डाल दिया। जेल में क्या उसको फिर ख़त्म ही कर दिया था, जब लड़ाई में जहांगीर का दूसरा बेटा था उसने इसको मार दिया और जो सिख के जो गुरु थे अर्जुन देव उनको फांसी पर लटका दिया। तो ये क्वेश्चन आया था एक बार कि सिखों के जो गुरु थे अर्जुन देव उनको किसने फांसी पर लटकाया था, तो जहांगीर ने। जहांगीर के टाइम में कुछ विदेशी भी आए थे, कैप्टन हॉकिंस सबसे इम्पोर्टेंट है उसमें कि कैप्टन हॉकिंस किसके शासनकाल में आया था, तो वो जहांगीर था। सर टॉमस रो, विलियम फेंच और एडवर्ड टेरी आया। तो इस तरह से ये जहांगीर हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो शाहजहाँ और औरंगजेब की देखते हैं, उसके बाद में मुगल वंश लगभग ख़त्म हो जाएगा। और इस तरह की अगर और वीडियो देखनी है तो सुपरवे क्लासेस के एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाके सारी वीडियो एक क्रम से पड़ी हुई हैं, सब पे लेक्चर नंबर लिखे हुए हैं, तो क्रम से एक तरफ से देख सकते हो, उनके नोट्स बना सकते हो। और इनकी खासियत ये कि ये बहुत शॉर्ट रूप में कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें देने की कोशिश की जा रही हैं नोट्स में, तो अच्छे तरह से आपके नोट्स प्रॉपर एक तरफ से बना लीजिए। धन्यवाद।